हेलो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 11 है। इस लेक्चर में हम इंटीग्रल फैक्टर किस तरह से निकालते हैं, रूल नंबर 5 पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 5 है, अगर हमारे पास एफ 1 अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई हो, उस कंडीशन में जो इंटीग्रल फैक्टर होता है वो होता है हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर बराबर ई टू द पावर एफ ऑफ वाई डी एक्स। फिर इससे पहले जो वीडियो पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास जो फॉर्म हो वन अपॉन एन अपॉन डेल वाई सॉरी डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स, वो तब इंटीग्रल फैक्टर जो था वो था हमारे पास ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे एफ वाई ऑफ डीवाई, बस ये थोड़ा सा चेंज होता है। अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई के लिए हम चेक कर रहे होते हैं तो हमारे पास वन अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई चेक करते हैं, और इसके लिए चेक करते हैं तो वन अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स चेक करते हैं। तो इस तरह से हम चेक करते हैं पहले, और अगर ये हमारे पास कंडीशन सॉल्व हो तो हम इंटीग्रल फैक्टर निकाल सकते हैं। फिर इस बार इसका जो हम एक एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब इसका हमें पढ़ना है। फ्रेंड्स, मैं जो भी एग्जांपल लेता हूँ वो मोस्टली यूनिवर्सिटी में रिपीट होते हुए एग्जांपल होते हैं, और इनको सॉल्व करने के लिए, इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड नहीं होता। मैं बेसिकली उस मेथड को बता रहा हूँ जो जिस रूल के बारे में पढ़ रहे हैं, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहे हैं उसको एक से ज़्यादा रूल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2xy dx माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें चेक करना होगा वन अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू। तो यहां से अगर हम m की वैल्यू देखें तो m बराबर क्या है, एम डी एक्स, यानी ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म की होती है। तो यहाँ से एम की वैल्यू जो है वो है हमारे पास वाई स्क्वायर इन टू द पावर एक्स प्लस टू एक्स वाई। तो यहाँ से डेल एम अपॉन डेल वाई निकालना चाहें तो डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर टू वाई इन टू द पावर एक्स प्लस टू एक्स, एंड अगर यहाँ से हम डेल एन तो एन की वैल्यू क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, और डेल एन अपॉन डेल एक्स तो ये हो गया माइनस टू एक्स। अब ये वैल्यू अगर निकालना चाहें ये वैल्यू, तो ये वन अपॉन एम एंड वन अपॉन एम क्या है वाई स्क्वायर, ये अगर वाई कॉमन ले लें इसमें से तो इसको लिख सकते हैं वाई ई टू द पावर एक्स प्लस टू एक्स, ये हो गया। अब इसको देखें हम यहाँ पे लिखें डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी ये टर्म माइनस ये टर्म, तो ये टर्म करेंगे तो माइनस टू एक्स और माइनस टू वाई ई टू द पावर एक्स माइनस टू एक्स, तो माइनस टू एक्स टोटल हो जाएगा माइनस फोर एक्स। अगर इस टर्म में से हम माइनस टू कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा टू एक्स और वाई, और अगर माइनस भी कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब इस टर्म को देखें तो टू एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स, टू एक्स प्लस वाई ई टू द पावर एक्स ये कट जाएगा। तो यहां से हमारे पास ये टर्म जो है, ये टर्म इक्वल टू माइनस टू अपॉन वाई, ये आ चुकी है। तो अब यहां से इंटीग्रल फैक्टर इसका लिखना चाहें हम, तो इंटीग्रल फैक्टर होगा इसका e टू द पावर वन अपॉन एफ वाई ऑफ डी वाई, ये एफ वाई फ्रेंड्स कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वाई का फंक्शन हो, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, e टू द पावर माइनस टू अपॉन वाई डी वाई, तो ये हो गया e टू द पावर माइनस टू लॉग वाई, इसको लिख सकते हैं e टू द पावर लॉग वन अपॉन वाई स्क्वायर या वन अपॉन वाई स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर आ गया वन अपॉन वाई स्क्वायर। अब वन अपॉन वाई स्क्वायर का इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट फॉर्म में बदल जाएगी। तो यहां से हम वन अपॉन वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये हो गया हमारे पास वाई मतलब वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ई टू द पावर एक्स रह जाएगा ये, और डी एक्स प्लस ये हो गया टू एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम, इसको डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको लिख सकते हैं प्लस। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसको ध्यान से देखो, ये डी ओवर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई का डेरिवेटिव क्या हो गया, जब सपोज कि हम यहाँ पे पहले वाई को छोड़ते हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं तो टू एक्स, यानी वाई को छोड़ा टू एक्स डी एक्स, उसके बाद हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को छोड़ा और वाई को क्या तो डी वाई, सॉरी वाई को, हाँ वाई को क्या तो डी वाई, और वन अपॉन मतलब डी u अपॉन वी से लगाते हैं तो नीचे वी स्क्वायर आता है, उस वी स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारे पास आ गया। अब इक्वल टू जीरो दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन करने पे हमारे पास ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू सी, ये आ गया। अब चाहे तो हम दोनों तरफ वाई का मल्टीप्लाई कर लें तो वाई ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी वाई, इस तरह से इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन आ गया। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।